सारे सीपीयू किस किसने लगाया चलिए। तो हमारे साथ स्टूडेंट है और ये है आज चौथे दिन के क्लास और 28 मई बेच के, तो मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्या आप सीपीयू एमएमसी पावर पे काम कर पा रहे थे? नहीं सर, नहीं कर पा रहे थे। तो अभी क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। आज सर मैं चौथा दिन है, मैं बनारस से अजय गोस्वामी बोल रहा हूँ जी। और मैंने चौथे दिन में आज सीपीयू सेट में से आईसी निकाला है, रिबॉलिंग भी किया है और जिंदा सेट में से रिबॉलिंग किया, अभी जस्ट 10 मिनट बाद इसको हम चालू भी करेंगे। ठीक है, तो अजय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं या छोटे इंस्टीट्यूट में फोन लगा रहे हैं, ये कि पैसे बचा के कर लेंगे काम, एशिया टेलीकॉम भी वही सिखा रहा है और छोटे इंस्टीट्यूट वाला भी मतलब 20-22-25-30 हज़ार की बीस में भी वही सिखा रहा है, नहीं तो हमारे में और उसमें क्या फर्क है? सर देखिए, यहाँ टिक्स है, यहाँ जो भी बताया जाएगा सॉलिड चीज बताया जाएगा, जो 30,000-35,000 जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसमें कोई चीज ये सिखा नहीं पाएंगे और कोर्स लंबा खींचा जाएगा, यहाँ कोई खींचा नहीं जा रहा लंबा, यहाँ तुरंत 10 मिनट में इसको फाइनल करना है, रिजल्ट देना है। तो आपकी तरह भी कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश विशाखापट्टनम या वेस्ट बंगाल से या पश्चिम बंगाल से अगर हमको देख रहा है तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि आज चौथे दिन में आप क्या कर दिए और आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर देख रहे होंगे तो सर हम यही बोलेंगे कि आप वहाँ समय नष्ट न करें, इधर तुरंत आए, आप एक महीने के अंदर आप फर्स्ट क्लास कारीगर बन के जाए, और यहाँ पर कारीगर ना यहाँ टीचर भी बन सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं रवि शर्मा, यह भोपाल एमपी से हूँ और आज हमारी क्लास का चौथा दिन था, हमने लाइव सीपीयू निकाला है, उसे बोल किया है, अभी हम उसे फिक्स करेंगे। और यहाँ पर बात की जाए तो टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं है, यहाँ पे हमने तीसरे ही दिन पावर निकाल के और रिबोल करके और फिक्स की थी और हमारा मोबाइल चालू हो गया था, वैसे ही हमने उसी ट्रिक को अपनाते हुए आज सीपीयू निकाल कर रिबोल किया है, ये भी फिक्स करेंगे, 100% मोबाइल चालू होगा। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में हो और कम फीस के चक्कर में कहीं उलझ गया हो तो यहाँ पे आए, यहाँ पर कम से कम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर अगर परफेक्ट से काम सिखाया जाए। हमारा इंस्टीट्यूट दुकान पेंडरी है, दुकान के हिसाब से बना है, क्योंकि हम दिन कम लेते हैं घंटे ज़्यादा लेते हैं। 14 घंटे की क्लास रहती है रोज, तो 14 घंटे में क्या क्या सीख सकते हैं हम कुछ जान सकते हैं, और आज हम सीपीयू फिक्स करेंगे और इसे भी डन करेंगे। आप आए कहाँ से? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से, तो चौथे दिन में भी पैसा वसूल है यहाँ पर? चौथे दिन में पैसा वसूल है, मतलब दुनिया छोटी फीस में छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट जो साल दो साल से बने हैं वहाँ पे जा रही है, और अननॉलेज वाले मतलब ये बोल सकते हैं कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं टीचरों को पढ़ाने का उनसे पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ खाली रिबॉलिंग कर सकते हैं, वो रिबॉलिंग सिखा सकते हैं, वो दूसरा कोई काम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे ए टू जेड काम होते हैं, मोबाइल का पूरा ए टू जेड। नहीं तो वो बिना एक्सपीरियंस वाले टीचर से सीखने से मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं मिलेगा। यहाँ जो मिल रहा है एशिया टेलीकॉम में बहुत अच्छे काम मिल रहा है, हम बहुत दूर से आए इधर, हम पहले यूट्यूब देख लिए, बहुत सारा काम ऐसा ऐसा काम निकाला सब देख के, फिर उसके बाद ही जा रहा है। चलिए ठीक है, तो आप इसको फिक्स करके चालू करके बताएंगे? हाँ ठीक है, बताइए जी। मेरा नाम राधेश्याम है, मैं यूपी सिद्धार्थनगर से हूँ। तो एशिया टेलीकॉम में और दुनिया में क्या फर्क है? तुम 10 जगह दूसरे को देखा होगा, और एशिया टेलीकॉम क्यों है? यहाँ की तो फीस भी अच्छी है, चाहते तो 20-25 हज़ार में या 35 हज़ार में खाली थ्योरी वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते थे। गया था वहाँ डेमो लेने, अच्छा वापस भी आया। अच्छा रिटर्न भी आया जी जी। कितने हज़ार का इंस्टीट्यूट था वो? वो था 30,000 का। 30,000 का इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से वापस आए जी। तो वहाँ क्या बेस लगा और यहाँ क्या बेस, मतलब वहाँ क्या अच्छा नहीं लगा और यहाँ क्या बेस लगा? सर यहाँ लगभग 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ का ट्रिक अलग ही है सर, बताने का तरीका है अलग है, वहाँ हमको नहीं मिला इसलिए वहाँ से वापस आ गए। अच्छा, आप जाके और जाने के बाद वहाँ पर डेमो क्लास नहीं थी? हाँ सर, यहाँ तो डेमो क्लास ही नहीं थी सर, विश्वास था इसीलिए डेमो, विश्वास था यहाँ जी। तो अभी क्या बता, अभी आप चौथे दिन क्या करने जा रहे हैं? सर चौथे दिन में हम सीपीयू निकाले हैं मैन पावर से, इसको रिबोल किए हैं, अभी लगा के दिखाएंगे।
जी चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट राजेश श्याम जी, थैंक यू। अपना मेरा नाम कमल रेज है सर। कमल कहाँ से हैं आप? हम वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से। कमल मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आज आपका तीसरे दिन में क्या किया आपने? तीसरा दिन में लाइट पावर निकाल के चालू फोन। ओके, अभी क्या करने जा रहे हो? अभी सीपीयू, कल बोले थे सीपीयू ऑन बोर्ड है, सीपीयू खोल के लगाएंगे। अच्छा, आपने ये मान के चलिए कि 90% काम कर दिया, 10% फिक्स करना है आपको। यस सर। तो आपका ट्रैक भी बहुत बढ़िया क्लीन हुआ है, आपका सीपीयू भी बहुत बढ़िया रिकॉल हुआ है। अभी किसी को रिबोलिंग करने में या क्लीनिंग करने में दिक्कत है क्या? आईसी उठा के लगाने में कोई दिक्कत है क्या? किसी का भी एक ट्रैक टूटा है क्या? नहीं सर, ठीक ही अलग। हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं ना सर, एशिया टेलीकॉम का ठीक ही अलग। अच्छा, अब यही अगर ट्रेनिंग आप अगर गलती से 25,000 30,000 या 35,000 वाले इंस्टीट्यूट में जाते तो क्या आप पिकअप कर पाते? इससे इतना नॉलेज मिल पाता आपको? हम एशिया टेलीकॉम को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं जी, इसीलिए सर का बहुत वीडियो देख लेते हैं, स्टूडेंट का रिव्यू भी देख लेते हैं, तो देख काम सो जैसे डर लग रहा था कि झूठ होगा जी लोग, और यहाँ पे आके सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप तसल्ली से बैठ के काम कर रहे हैं, रहने की खाने की पीने की कोई समस्या है क्या? आराम से मस्त 3-3 एसी में बैठ के काम कर रहे हैं हम। यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा नाम आकाश है, मैं बुलढाणा महाराष्ट्र से हूँ। आज हमारा लाइव बोर्ड में से हमने सीपीयू उतारा है, अभी हम 10 मिनट में इसको वापस से रिवॉल्व किया है, अभी से लगा के चालू कर देंगे। कल हमने पावर आईसी उतारी थी सेम यही हैंडसेट से, लाइव फ़ोन था सर, माउंट रिमाउंट किया था, फ़ोन ओके कंडीशन में आया, अभी हमने उसका सीपीयू रिवॉल्व किया है, सीपीयू बैठा के सीपीयू वापस से अलाइव करेंगे। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू देव सर। इस नाम बताइए अपना। मेरा नाम है निश्चल, मैं कहाँ से है? नेपाल से हूँ सर। ओके, कौन सा दिन आज आपका? आज हमारा चौथा दिन है सर। तीसरे दिन में क्या किया था आपने? तीसरे दिन में हमने पावर आईसी माउंट रिमाउंट किए थे 40 सेट में। और आज क्या किया आपने? आज हमने सीपीयू रिमाउंट किए हैं और रिवॉल्व भी कर चुके हैं। तुम तो ऐसा क्लीन करा जैसे आईफोन का काम कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करी? तो यूं ही हो जाता सर, इतनी मेहनत करके इतनी बढ़िया क्लीनिंग किया आपने, इतना बढ़िया बोल बनाया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार सीपीयू लगा रहे हो। पहली बार लगे हैं। उम्र क्या है आपकी? 20 साल सर। 20 साल उम्र है, 20 साल, एक बार क्लैपिंग कर दो भाई। 20 साल में, 20 साल में ये काम कर रहा है तो फिर आगे चलते क्या करेगा? तो अब ये बताइए, नेपाल से हैं आप? यस सर। नेपाल से हमको दूसरे स्टूडेंट भी देख रहे हैं। यस सर। तो उन्होंने सस्ती फीस में कहीं इंडिया में चले जाना चाहिए, नेपाल में पढ़ लेना चाहिए, या एशिया टेलीकॉम आना चाहिए? और एशिया टेलीकॉम आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? कारण एशिया टेलीकॉम आना चाहिए क्योंकि दूसरे जगह मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से वहाँ पर ट्रेनिंग होती होगी, इसीलिए सर यही आना चाहिए। कम फीस के चक्कर में कहीं जाना चाहिए क्या? नहीं सर। अच्छा, थ्योरी पढ़ के ऑनलाइन कोर्स लेके काम चलेगा क्या? नहीं सर, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। प्रैक्टिकल भी जरूरी, एडवांस लेवल का ट्रेनिंग। अच्छा, प्रैक्टिकल कितने घंटे होता है? प्रैक्टिकल सर 12-14 घंटे तक होती है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, विश यू गुड लक। आपने 90% वर्क कर दिया, 10% बचा है, कर फिक्स करके मुझे बताइए, मैं आपको लाइव लूंगा। ओके सर, हम सब कर सकते हैं। ओके, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, काफी टैलेंटेड स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। आसिफ मंडल। आसिफ मंडल, तो आसिफ ये चेहरे पे स्माइल क्यों है आपके? क्योंकि अच्छा लग रहा है सर, मैं काम सक्सेस कर पा रहा हूँ। सक्सेस कर पा रहे हैं आप? यस। तो आपका कौन सा दिन है एशिया टेलीकॉम? यस सर। आपका कौन सा दिन है एशिया टेलीकॉम? आज चौथा दिन है सर। आज चौथा दिन है, तो तीसरे दिन हमने क्या किया था? पावर आईसी चालू मोबाइल से खोलकर रिवॉल्व कर फिर चालू किया। और आज क्या किया हमने? आज सीपीयू की क्लास थी सर। चालू मोबाइल से सीपीयू निकाला फिर रिवॉल्व करके। अच्छा, ये कोई कीपैड फोन वगैरह तो नहीं है? ये नहीं सर, ये 4G सेट है सर। 4G सेट? यस सर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया खूबसूरत तरीके से क्लीनिंग भी किया है, और इनके क्लीनिंग में एक बक्स था, है ना? यस सर। तो मैंने उसी समय तत्काल क्लियर करवाया। यस सर। है ना, हमको परफेक्शन के साथ काम करना है ना। यस सर। चलिए, तो अब आसिफ मंडल, हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोगों को अनएक्सपीरियंस, मतलब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, उनके पास जाना चाहिए या एक्सपीरियंस के साथ आना चाहिए? एक्सपीरियंस के साथ आना चाहिए। उसका क्या फायदा? उसका फायदा है कि अगर 20-25 हज़ार वाला इंस्टीट्यूट हो, इसी तरह से वो सिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि यह एशिया टेलीकॉम से आने से पहले दिन से प्रैक्टिकल दिखाना चाहता है थ्योरी के साथ। तुम प्रैक्टिकल एक दिन में कितने घंटे किए हो?
लगभग 12 से 14 घंटे की होगा, है ना। 3 या 2 या 3 घंटे की मात्र थ्योरी होती है हमारे, 4 घंटे की थ्योरी होती है और 10 घंटा प्रैक्टिकल, बाकी 10 घंटा प्रैक्टिकल होती है। तो आपके सारे जो देव सर ने पढ़ाया आपको कंपोनेंट सारे क्लियर है? क्लियर है सर। मीटर की टेस्टिंग आती है आपको? आती है सर। और अभी आप 4G CPU पे काम कर रहे हैं? यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एसटी टेलीकॉम। थैंक यू देव सर। थैंक यू एमडी सर। हमारे साथ स्टूडेंट है, जो नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विजय ठाकुर है और मैं वेस्ट यूपी से हूँ। तो विजय, क्या स्वेपिंग कर रहे हो? यस सर, स्वेपिंग कर रहा हूँ सर। आज सर मुझे एमडी सर ने मुझे एक टास्क दिया है और मैं बोर्ड स्वेप कर रहा हूँ। अच्छा, बोर्ड स्वेप कर रहे हो। तो बोर्ड स्वेप में तुम्हारा, तुमने एमएमसी सीपीयू दोनों लगाओ? यस सर, दोनों लगाऊंगा। ये टास्क हमसे बिल्कुल डन हो जाएगा। कंप्लीट करूंगा सर। करके बताएंगे आप? सर 30 से 35 मिनट में मैं आपको बिल्कुल ऑन करके दिखाऊंगा फोन। चलिए ठीक है। यूपी रवि, आपको विजय, आपको यूपी से देख रहे हैं आप, क्या बोलना? यस सर, मैं अपने नज़दीक के टेक्नीशियन से यही कहना चाहूँगा, जो तुक्के से काम कर रहे हैं वो तुक्का न मार के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और एशिया टेलीकॉम उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुकेश निषाद है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मुकेश, कल क्या क्या था आपने? कल क्या क्लास था? कल 4G चालू फोन से पावर आईसी माउंट रिमाउंट किए थे। और आज क्या किया आपने? आज 4G फोन से CPU माउंट रिमाउंट करेंगे। माउंट रिमाउंट करेंगे ना? अभी क्या बताने हैं आप? अभी रिवॉल्व हो गया है, अब बोर्ड में फिट करना है। अच्छा, सरफेस भी क्लीन हो गया है? यस सर। आज से पहले काम कभी किया था क्या? नहीं सर। कौन सी क्लास में आप? मैं अभी कॉलेज कर पढ़ चुका हूँ। नहीं, कॉलेज 12वीं कॉलेज कर रहे हो? तो कॉलेज के दौरान भी ये काम आपने कर लिया यहाँ से, क्या कारण है कि 14 यहाँ का स्कीम जो है बहुत अच्छा है पढ़ाने का? दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि आप चाहते तो सस्ते इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, आपके छत्तीसगढ़ में, आप एशिया टेलीकॉम क्यों है? क्योंकि हम इसको 2 साल से फॉलो कर रहे थे सर। सोचे थे उससे ज्यादा सर। मेरा नाम गाजियाबाद से मुकेश निशान। तो ये बताइए भाई, तुम गाजियाबाद दिल्ली के नज़दीक से हो? जी। NCR दिल्ली से हो? यस सर। NCR दिल्ली से हो तो इसका मतलब ये कि आप दिल्ली आपको बहुत पास में था? यस सर। दिन भर इंस्टीट्यूट में बैठते, रात को घर चले जाते? यस सर। तो फिर एशिया टेलीकॉम जबलपुर इतनी दूर क्यों आया? सर वहाँ पे ना कोई भी इंस्टीट्यूट मेरे को पसंद नहीं आया। आप गए थे देखने? यस सर। आपने जांच पड़ताल की थी? मैंने 2-4 जगह पता किया था पर मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया उनका कुछ। अच्छा, तो यहाँ की मैं वीडियो पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ और मेरा दिल भी यही कहता था कि नहीं यार तुम वहाँ जाके कुछ बन पाएगा। अच्छा, तो उनकी तुलना में यहाँ पर मतलब अपना 20-25-30 हज़ार वाला इंस्टीट्यूट तो है नहीं? नहीं सर। है ना, बड़ी फीस वाला, थोड़ा सा ज्यादा फीस वाला है। यस सर। मतलब ज्यादा फीस सही है या फिर छोटी फीस सही है? ज्यादा फीस सही है सर। मेरे को दिल्ली में इससे सस्ता इंस्टीट्यूट मिल रहा था जी, तब भी नहीं गया मैं। मैंने 10-20 हज़ार रुपये का मुँह नहीं देगा, मैंने सोचा कि नहीं मैं बेस्ट लेकर आऊँगा। बेस्ट जगह जी। यस सर। मतलब आपने एक्सपीरियंस को चुना? यस सर। जो सबसे पुराना अनुभव था उसको चुना? यस सर। कि जो 2021-22-23 से 2019 से काम कर रहा है उसके पास चले गए? नहीं, नहीं सर। जो लंबे समय से काम कर रहा है उसके पास गया? यस सर। है ना, बड़े बड़े कोर्ट वाले वहाँ पे सेठ लोग भी थे पढ़ाने के लिए, बाकी उनको पढ़ाते नहीं आता था, केवल वो आपसे पैसा लेना चाहते। यस सर। चलिए ठीक है, तो अभी क्या बता रहे हैं आप? सर मैंने आज 14 दिन है और मैंने लाइव फोन में से CPU निकाला है, माउंट किया है और रिमाउंट करेंगे। अब रिमाउंट अप करोगे? यस सर। तो ये सब काम की जो प्रोसेस से गए हो, ये मैंने जबरदस्ती बैठवा के करवाई आपसे या आपने मन से किया? सर आपने भी कराया है और हमने अपने मन से भी। नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई इस काम को करने में आपकी सहायता तो नहीं करी ना? नहीं सर, ये तो मैंने खुद माउंट किया है। और बताया कितने, अभी 3 घंटे पहले बताया? यस सर। और अभी ये काम वापस कर पा रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप मुझे चालू करके बताएंगे? यस सर, मैं बिल्कुल आपको चालू करके बताऊंगा। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। हम नासिरुल्ला हैं जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। नासिरुल्ला, क्या बताना चाह रहे हैं आप? सर बहुत खुश हूँ। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि आप खुश तो है, वो तो आपके चेहरे से लग रहा है कि अभी आप बोर्ड पे क्या बताना चाह रहे हैं? आपने बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग भी किया है, क्लीनिंग भी किया है, थोड़ा बताइए कहाँ क्या है बोर्ड पे?
बोर्ड पे वाला पीसीबी क्लीन किया, उसके बाद सीपीयू निकाल के फिर से रिवॉल्व किया। कल क्या किया था आपने भाई? कल वन सेट से पावर आईसी निकाल के और रिवॉल्व करके फिर से फिटिंग कर दिया। अच्छा, और ये बताइए कि अभी इसके अंदर क्या किया आपने? सीपीयू निकाला है? सीपीयू निकाला। अच्छा, और सीपीयू निकाल के इसको फिक्स करेंगे? फिक्स तो नसीरुल्लाह, हम ये आप वेस्ट बंगाल से आप चाहते हैं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, तो कुछ सस्ते सस्ते से इंस्टीट्यूट में, तो फिर आप इतनी दूर क्यों आए? नहीं, उधर अच्छा अच्छा नहीं है, इसलिए यासर टेलीकॉम में एक वजह से देख रहा था इसका इधर काम अच्छा, इसलिए इधर आया। ओके, तो अभी तीसरे दिन आपने पावर डन किया, और आज क्या डन करके बताएंगे? सीपीयू। चलिए, अंदर स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गौरव है सर, राजस्थान से हूँ मैं। हाँ, तो गौरव अभी क्या बताने जा रहे हैं? सर आज मैंने लाइफ में फर्स्ट बार सीपीयू रिबॉल किया है, और फर्स्ट टाइम में मैंने सीपीयू बढ़िया तरीके से रिबॉल किया है, अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगा। कल मैंने पावर आईसी रिबॉल किया था। हाँ, सीपीयू लगा के जी सर, दो बार तीन बार बताइए मुझे क्या लेवल से हमको नॉलेज मिल रहा है? जी सर, बेस्ट लेवल से नॉलेज मिल रहा है, चार बार कल मैंने दो से तीन बार पावर आईसी लगा के चालू करके सर को दिखाया था। जिस लेवल का काम आप कर रहे हो, आप ये प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हो? जी सर, चालू काम हो रहा है। नहीं सर, बिल्कुल साफ सुथरा और प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहा हूँ सर। पावर आईसी उठाई थी सर, और आज चौथा दिन है, सो हम सीपीओ पे काम कर रहे हैं, और ये रिवॉल्विंग है, सो 10 मिनट सीपीओ रिवॉल्व कर देंगे, सक्सेस रेट 101%। थैंक यू। अभी इसको फिक्स करेंगे? यस सर, लाइव चालू करके बताएंगे। चालू करके बताएंगे सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक। स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम फरीजुल मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। फरीजुल मंडल, अभी इसको क्या करने जा रहे हो? मैं इसका भी फिक्स करूँगा। फिक्स करो। दूसरे दिन क्या किया था हमने? और आईसी फिक्स किया था। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये काम नहीं कर पाया यहाँ पर? नहीं, हर बंदे सक्सेस हो गया, हर बंदे के बारे में सक्सेस, वन टाइम में सक्सेस, वन टाइम में सक्सेस। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। हेलो, नाम बताइए अपना। मेरा नाम दुर्गेश सर। जी दुर्गेश, दुर्गेश कहाँ से हैं आप? यूपी सिद्धार्थनगर से। दुर्गेश, अगर इसकी जगह अगर सस्ता वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होता तो क्या होता? सर इतना नहीं मिलता, नॉलेज नहीं मिलती सर, नहीं मिलती। आज आपको चौथा दिन है, और चौथे दिन में आप क्या करने जा रहे हैं? सर आज हमने ऑन फोन से सीपीयू निकाल के माउंट रिमाउंट किया सर, और भी सफलता मिली है। वो भी चौथे दिन? जी सर। अच्छा, कितनी बार काम किया आपने सीपीयू? सर फर्स्ट बार में मेरा सीपीयू लग गया था। हाँ, कितनी बार किया है तुमने? तीन बार। तीन बार किया सर, तीन बार, तीनों बार सफलता मिली है। चलिए, और अभी इसको फिक्स करके इसको भी बताएंगे आप? जी सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील राज है, और मैं जे एन के से। सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोन सक्सेस हो गया, सो गुड लक एंड गुड डे, बाय। हो गया। आपको मज़ा आएगा देखने में, और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है, और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है, और वही सिखा सकता है, और एक टाइम फीस दूंगा, ज़िंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। नंबर वन।
चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? थैंक यू वेरी मच।